लेसन नंबर दो में हम यूआई के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि यूआई के एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और हमें इन्हें कब कब और किस तरीके से यूज़ में लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब जब हम लेआउट बनाते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन का लेआउट हो या वेबसाइट का लेआउट हो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो यूआई एलिमेंट्स काम में ले रहे हैं उनमें एक समानता बनी रहे। कि हमने स्टार्ट पेज पर अगर कोई ड्रॉप डाउन यूज़ में लिया है तो हम उसी तरीके के कंटेंट के लिए लास्ट में भी ड्रॉप डाउन ही यूज़ में लें। तो इससे क्या है कि यूज़र को आपका वेबसाइट का कंटेंट समझने में उसको ये पता रहता है कि अच्छा ये बटन से ये काम होता है। इसलिए हमें यूआई एलिमेंट्स की प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज के लेसन में हम आपको यूआई एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। यूआई एलिमेंट्स को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला होता है इनपुट कंट्रोलर, सेकेंड होते हैं नेविगेशन कंपोनेंट्स, थर्ड होते हैं इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स और फोर्थ होते हैं हमारे कंट्रोलर्स। जो इनपुट कंट्रोलर्स होता है उनका काम आपको वेबसाइट के अंदर या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना है, कोई किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में जब ऐड की जाती है तो वो एक इनपुट कंट्रोलर के तरह की जाती है। मान लीजिए अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है, आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, आपको कोई ईमेल आईडी ऐड करना है, आपको कोई फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो वो सब कुछ डेटा आपका इनपुट कंट्रोलर के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है नेविगेशन कंपोनेंट। नेविगेशन कंपोनेंट का काम यह है कि यूज़र को ये समझाना कि आपको वेबसाइट में किस प्रकार से नेविगेट करना है या फिर यूज़र की हेल्प करना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में जो हेल्प करता है वो नेविगेशन कंपोनेंट कहलाता है। तीसरे हमारे इसमें होते हैं इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन कंपोनेंट का काम यह है कि यूज़र को ये बताए कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे देखेंगे समझेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशनल कंपोनेंट कहलाते हैं। देन हमारे फोर्थ जो पॉइंटर है वो है कंटेनर्स। कंटेनर्स का काम ये होता है कि वेबसाइट में काम आने वाली इन्फॉर्मेशन को एक कंटेंट बॉक्स के अंदर कंटेनर में रखना, वो कंटेनर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनपुट कंट्रोलर्स की। अब इनपुट कंट्रोलर्स हैं, ऐसे करके मैंने आपको चार कंट्रोलर्स के बारे में बताया। तो ये तो मेन चार कंट्रोलर्स और कंपोनेंट्स हैं, पर यूआई जो यूआई के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये तो एक तरह से कह सकते हैं उनके पेरेंट होते हैं। बात करते हैं हम चाइल्ड की, जो हम एज ए विजुअली यूआई में देखते हैं। उनमें पहला आता है बटन। बटन का काम ये होता है कि जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर कोई भी जब कोई एक्शन होता है तो उसे बटन कहते हैं। और बटन क्या है, यूजुअली आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिख जाएगा, आपको बटन आइकन फॉर्म में मिल जाएंगे, इस तरीके से होते हैं। देन हमारा आते हैं अकॉर्डियन। अकॉर्डियन का काम बेसिकली ये होता है कि जब भी हमारे पास में मल्टी सेट्स की इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए आपके पास में अगर आप कोई, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी, वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको फिल करनी है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन को अगर आपको एक साथ फिल करेंगे तो यूज़र बोर भी हो जाएगा और कई बार होता है कि फॉर्म कंप्लीट ना करे, तो उसको मल्टीपल स्टेप्स में या कहें हम अकॉर्डियंस में बांट दिया जाता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ अकॉर्डियन हो गया कि आपका जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करा दी, सेकंड हो गया कि कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करा दी, इस तरीके से सेक्शंस पर डिवाइड कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन को, और एट ए टाइम अकॉर्डियन की मदद से वो एट ए टाइम एक ही ओपन रहती है, तो उसे अकॉर्डियन कहते हैं। देन सेकंड में हम, थर्ड हमारा जो चीज़ आती है वो आते हैं हमारे ब्रेडक्रम्स। ब्रेडक्रम्स का यूज़ ये होता है कि आप अभी इस वक्त वेबसाइट में किस पेज पर हैं, आप किन पेजेस को प्रोग्रेस करते हुए उस पेज पे, उस सेक्शन पे पहुँचे हैं, वो आपको ब्रेडक्रम्स बताते हैं। ब्रेडक्रम्स से आप कभी भी किसी भी पेज पर जंप कर सकते हैं, डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में हैं और आपने होम पेज से किसी कैटेगरी को चूज़ किया है और उस कैटेगरी से किसी प्रोडक्ट को चूज़ किया है, अब आप चाहते हैं कि आपको उस कैटेगरी पे या फिर उस होम पेज पर वापस जाना है, तो आप ब्रेडक्रम्स की मदद से जा सकते हैं, और ब्रेडक्रम्स को यूजुअली आप वेबसाइट के टॉप सेक्शंस में पाएंगे। देन हमारा जो इसके अंदर फोर्थ चीज़ है वो है हमारे कार्ड्स। कार्ड्स बेसिकली ज़्यादातर उनका यूज़ आजकल मॉडर्न यूआईएस में किया जाता है, क्योंकि कार्ड अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो कार्ड्स में क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं और कार्ड का साइज़ भी छोटा होता है। तो जैसे मान लीजिए एक कार्ड है, जैसे कि आपने ब्लॉग देखे होंगे, आपने न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो एक कार्ड वह होता है जिसमें एक कोई किसी भी प्रकार की इमेज, टेक्स्ट, बटन, इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं, और इसमें और भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। कार्ड का फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे मोबाइल को रिस्पॉन्स, जब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट से उसे मोबाइल वर्जन पे लेके जाते हैं, तो इजीली हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंटर आता है क्राउजल।
ग्राउजल बेसिकली वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह में ही काम आते हैं। ग्राउजल में आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे कुछ बैनर्स चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बैनर स्लाइड होते रहते हैं, वो ग्राउजल्स होते हैं। ग्राउजल्स के अंदर आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं, आप इमेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी रख सकते हैं।